जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर में हुए पंचायत उपचुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और हम आपको सीधे ले चलते हैं मतगणना का हाल जानने के लिए सीतापुर के ब्लॉक एलिया में, जहां पर ग्राम पंचायत पड़रखा, बेलगवा और चंदनपारा में प्रधान पद का चुनाव होना था और वहां पे मतगणना संपन्न हो गई है। चूंकि यहां पर इन तीनों ग्राम पंचायतों में प्रधानों का निधन हो जाने के कारण यहां उपचुनाव हुए हैं और अब कौन नया प्रधान इन ग्राम पंचायतों में चुना गया है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव के पास। तो धनंजय, बताइए कि पड़रखा, बेलगवा और चंदनपारा में किसके सिर प्रधानी का ताज सजा है? देखिए प्रियांशु जी, आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम सभा पड़रखा की। यहाँ पे जो है पूनम शुक्ला प्रधान थी, जिनका बीमारी के बाद निधन हो गया था। इनकी जगह पे इनकी बेटी जो है शीलू शुक्ला चुनाव लड़ी थी। वहीं दूसरी इनके जो प्रतिद्वंदी थी वह पूजा शुक्ला चुनाव लड़ी थी, जिसमें जो है कुल यहाँ पड़रखा ग्राम सभा में कुल मत थे 1817, जिसमें से 1478 मत पड़े थे, जिसमें जो है जो पूजा शुक्ला हैं इनको 870 व शीलू शुक्ला हैं इनको जो है 557 मत मिले थे, जिसमें 51 जो है अवैध मत घोषित कर दिए गए थे, जिसमें जो है पूजा शुक्ला जो है ये जो है 313 मतों से पड़रखा के प्रधान जो है चुनी गई हैं जी। इसके अलावा आप बात करते हैं हम जो है चंदनपारा ग्राम सभा की। यहाँ पे जो है इससे पहले सत्यवीर त्रिपाठी प्रधान थे, इनकी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था, जिसके बाद इनकी पत्नी बिंदु त्रिपाठी चुनाव लड़ी थी। वहीं जो है तीन अन्य प्रत्याशी थे, जिसमें अखिलेश हैं इनको 153 मत मिले। पहले प्रियांशु जी आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मत 1722 थे, पड़े मत जो हैं वो 1321 पड़े थे, जिसमें जो प्रत्याशी हैं अखिलेश इनको 93 मत मिले थे। वहीं जो अफसर हैं इनको 404 मत मिले, बिंदु त्रिपाठी को 328 मत मिले, याकूब अली को 350 मत मिले। वहीं जो है 46 मत जो है अवैध घोषित हो गए, जिसमें जो है 54 मत से अफसर जो हैं ये यहाँ के प्रधान चुने गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं बेलगवा ग्राम सभा की। यहाँ पे जो जहीर खां प्रधान थे इनका निधन हो गया था, जिसके बाद इनके जो है बेटे जफर खां चुनाव लड़े थे। यहाँ पे कुल मत जो है 3296 हैं, पड़े मत 2524 हैं। इनके जो है जहीर खां जिनका निधन हो गया था, उसके बाद उनके बेटे जफर खां चुनाव लड़े थे, इनको जो है 940 मत मिले हैं। फरहत हुसैन को 856 मत मिले हैं, राजेंद्र सिंह इनको 662 मत मिले हैं, वहीं शिल्पी सिंह को 7 वोट मिले हैं। यहाँ जो है 72 मत जो है अवैध घोषित हो गए, जिसमें से जो फरहत हुसैन जहीर खां जो इससे पहले प्रधान थे, उनका जो बेटा है जफर खां वो जो है फिर से 84 मतों से जीत कर दोबारा जो है बेलगवा ग्राम सभा के प्रधान बने हैं जी। धनंजय, एक जानकारी चाहेंगे कि आपके यहाँ जो तीन ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए हैं, उसमें किनके घर से प्रधानी चली गई है और किनके घर पर प्रधानी की सीट बरकरार रही है? प्रियांशु जी, इसमें जो है तीन सीटें थे, इसमें सिर्फ जहीर खां जो जिनका निधन हो गया था उनके घर में जो है दोबारा प्रधानी आई है। इनके जो बेटे हैं जफर खां इनको जो है 84 मत से जीते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पड़रखा की पूनम शुक्ला, इनके घर से प्रधानी चली गई है। अब हम बात करेंगे चंदनपारा की, जो सत्यवीर त्रिपाठी थे जिनकी जो है मौत हो गई थी, उनके जो है पत्नी लड़ रही थी बिंदु त्रिपाठी, इनके भी घर से जो है प्रधानी चली गई है। तो सिर्फ जो है प्रियांशु जी बेलगवा जो है अलिया ब्लॉक में, वहाँ दोबारा प्रधानी आई है। मृतक जो है जहीर खां उनके जो बेटे हैं जफर खां, वो दोबारा जो है प्रधान
मतलब दोबारा जहीर खां के घर में दोबारा प्रधानी आई है। जफर खां फिर से जो है 84 मतों से जीत कर बेलगवा के प्रधान बने हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त ये ब्लॉक एलिया की 3 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, जिसकी मतगणना पूरी हो गई है। और हम आपको बता दें कि अगर बात करें 3 ग्राम पंचायतों में, तो 2 ग्राम पंचायतों में जिनके घर प्रधानी थी उनके यहाँ से प्रधानी चली गई है, वहीं केवल बेलगवा 1 ग्राम पंचायत है जहां पे प्रधानी बरकरार रही है। तो बात करें पड़रखा की अगर हम, तो पड़रखा में जो सीट थी वो महिला के लिए आरक्षित थी और यहाँ पे 2 प्रत्याशी मैदान में थी, जिसमें पूजा शुक्ला और शीलू शुक्ला 2 प्रत्याशी मैदान में थी। और पूनम शुक्ला जो कि प्रधान थी, उनका निधन हो गया था, उनकी बेटी शीलू शुक्ला चुनाव लड़ी थी और शीलू शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा है। पूजा शुक्ला को 870 मत मिले हैं, शीलू को 557 मत मिले हैं और 51 मत अवैध घोषित हो गए हैं। 313 मतों से पूजा शुक्ला जीती हैं। इस प्रकार से जो दिवंगत प्रधान पूनम शुक्ला हैं, उनके थी, उनके घर से प्रधानी चली गई है। अगर चंदनपारा की बात करें तो यह सीट अनारक्षित थी और यहाँ पे 4 प्रत्याशी मैदान में थे, अखिलेश, अफसर, बिंदु त्रिपाठी, याकूब अली। यहाँ पर जो प्रधान थे सत्यवीर त्रिपाठी, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद इनकी पत्नी उपचुनाव में मैदान में थी बिंदु त्रिपाठी, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे अफसर ने 404 मत प्राप्त किए हैं, याकूब अली ने 350 मत, अखिलेश ने 193, बिंदु त्रिपाठी को 328 मत मिले हैं और 54 मतों से जीते हैं अफसर, जो कि प्रधानी का चुनाव लड़े थे। और अगर बात करें बेलगवा सीट पर, तो यहां पर जो प्रधान थे जहीर खां, उनका निधन हो गया था और उनके बेटे ने प्रधानी की सीट बरकरार रखी अपने घर में, जफर खां ने जीत दर्ज की है 84 वोटों से। यहां पे 4 प्रत्याशी मैदान में थे, अनारक्षित सीट थी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शिल्पी सिंह, जफर खां, फरहत हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने को 662 मत मिले हैं, शिल्पी को 7, जफर खां को 940 और फरहत हुसैन को 856 मत मिले हैं। तो 84 वोटों से जफर खां ने जीत दर्ज करते हुए बेलगवा ग्राम पंचायत पर प्रधान पद पर कब्जा जमाया है और अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए धनंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।